हर एक कदम एकजुटता के साथ उठाए और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर गुडलक कोचिंग सेंटर, अच्छे से अपने पढ़ाई को जारी रखें और अपने समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेलही ग्राम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव को नव वर्ष के मेरे ओर से हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई देता हूँ। आज इस कोचिंग सेंटर के परवेज आलम जी को मैं अपने ओर से धन्यवाद देता हूँ कि छात्र और छात्राओं को अभिभावकों को एक नया दिशा देने का काम किए हैं। आज गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 1950 ईस्वी में संविधान का जब निर्माण हुआ, इसी 26 जनवरी को 1950 में संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखकर देश को समर्पित किया था, इसलिए आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं तमाम छात्र और छात्राओं अभिभावकों से आग्रह है, यही बच्चा नौजवान होगा, देश का भविष्य होगा और यही देश का कर्णधार होगा। इस स्कूल के माध्यम से, इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से इसी में से लोग पढ़ लिख कर IAS IPS तमाम बड़े बड़े ओहदा पर लोग जाएंगे। इसीलिए मैं इस कोचिंग सेंटर के चलाने वाले जितने प्राध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनको मेरे ओर से आदाब सलाम नमस्कार करता हूँ कि आप मन लगाकर छात्र छात्राओं को पढ़ावें और अच्छे भविष्य का कल्पना इसी आप ही के माध्यम से होगा या बच्चा देश का कर्णधार बनेगा। हल्ला मत करो बच्चा, लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे माँ बाप के लिए लड़का वैसे लड़की दोनों बराबर होता है। आप लोग अभी देखे हैं दहेज के बारे में, दहेज प्रथा या कुरीति है और बहुत दिन से चल रहा है, या समाज का एक कोड है, इसको मिटाना चाहिए। और तमाम गांव के युवाओं से भी आग्रह है कि हमारे इलाका में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की कमी है। आज देश विदेश में जहाँ भी भारत का नाम रोशन होता है, यही बच्चा आगे बढ़ने के बाद IAS IPS लोग बनते हैं। इसीलिए तमाम शिक्षक से भी आग्रह है, मन लगा के भविष्य में यह देश का कर्णधार बन सकता है। आज भाषण देने का समय नहीं है, गणतंत्र दिवस है और खुशी का माहौल है पूरे देश में। आज भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के खुशी का माहौल मनाया जा रहा है। इस खुशी के माहौल में तमाम लोगों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और शिक्षा पर अधिक जोर दीजिए, बाल बच्चा को पढ़ाइए, मजदूरी करके ही बाल बच्चा को पढ़ाइए, तो आगे आपका भविष्य उज्जवल होगा। यही बात कह के मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। दहेज प्रथा से रिलेटिव एक सॉन्ग लेके आ रही है रीना कुमारी।